नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 5 मार्क्स ये टॉपिक कंटेन करता है सभी एग्जाम्स के अंदर। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में और वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर से देख लेना, पार्ट 1 को भी, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में समझ और भी अच्छी हो जाएगी। आप देख रहे हैं दोस्तों बैंकर्स पॉइंट SBIPOMH की क्लास 5 है। दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस लगाने का प्लान किया था, लेकिन बीच में टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग क्लासेस 5 या 7 दिन में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी एक ऐसा हो गया चैनल के ऊपर, किसी ने कमेंट कर दिया, उस वजह से एक फैकल्टी यहाँ से मूव हो गई। ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट किसी ने कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। लेकिन हम लोग अभी भी DI वाला पोर्शन है मैथ्स का, वो कवर करेंगे। अभी मैं 1-2 दिन टाइम निकाल के सारे वीडियोज़ आपके लिए ही बनाएंगे। ठीक है, तो अभी वीडियोस आ जाएंगे आने वाले दिनों में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर कराएंगे, तो अभी भी हमारे पास टाइम है 18-19 दिन का, 29 तारीख से पहले, तो हम लोग ज़रूर से आप लोगों को कवर कराएंगे। ठीक है, हमने फेसबुक पे दोस्तों पेज और ग्रुप दोनों बना रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर, फेसबुक का भी और ग्रुप का भी और पेज का भी। ठीक है दोस्तों, ओलिव बोर्ड ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट है www.olivebord.in, यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सारी एग्ज़ाम्स के, बैंक से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। उन टेस्ट में एक एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, तो उसको आप लोग ट्राई ज़रूर करिए। बिल्कुल फ्री है एक मॉक टेस्ट, उसके बाद में पसंद आए तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग सिंप्लीफिकेशन का, अपना जो पार्ट 2 है उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने में सबसे पहले वो बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूब कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है, उसके बाद में जो फ्रैक्शन होती है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद में जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम बोर्ड मास, ठीक है, ये रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा उस वीडियो के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। उसके बाद में आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आप इजीली 5 मार्क्स उसके अंदर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को टारगेट है इस वीडियो के अंदर क्यूब, क्यूब रूट और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखना। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यूब रूट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब तो 1 से 10 तक तो आपको क्यूब याद रखने, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। ठीक है, ऐसे ही देखो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो क्यूब रूट है, क्यूब और मतलब जैसे आपको मैं बताता हूँ, 1 से लेके एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर, ठीक है, और 1 से 10 तक के क्यूब, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और इजीली सबको याद होते हैं और याद हो जाएंगे अगर नहीं है तो। ठीक है, 2-4 बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप लोगों को ये तो चीज़ें तो देखो याद होनी चाहिए। चलो ये 3, 4, 3, ठीक है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद रखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ, लिखने का भी एक उद्देश्य है, वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग परफेक्ट के आसपास या फिर परफेक्ट क्यूब रूट ही पूछता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को वही टारगेट लेके चलना है कि हम लोगों को परफेक्ट क्यूब रूट, यानी पॉइंट वगैरह में क्यूब रूट नहीं आएगा, एकदम से परफेक्ट नंबर आएगा क्यूब रूट, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कोई बोलेगा सर पॉइंट वाले में तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें जी नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले ही मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर किसी नंबर के एंड में 1 आता है तो इसका मतलब उसका जो इकाई का अंक होगा, जो फर्स्ट प्लेस का जो नंबर होगा, वो क्यूब रूट के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। 8 से 2 आएगा, 7 से 3 आएगा, 4 से 4 आएगा, 5 से 5 आएगा, लास्ट नंबर याद रखने 6 से 6 आएगा, 3 से 7 आएगा, 2 से 8 आएगा और 9 से 9 आएगा
और यहाँ पे 0 से 10 आएगा, तो वो तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैंने स्क्वायर में भी ऐसे ही बताया था आपको, बस स्क्वायर में 2 नंबर का कन्फ्यूजन था, यहाँ पे तो वो कन्फ्यूजन भी नहीं है। तो देखिए कितना इजीली यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट निकाल पाते हैं। जैसे कि आपका नंबर में एक ले लेता हूँ, 5931 9। ठीक है, अब लास्ट नंबर आ गया आपका कितना, 9। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो क्यूब रूट आएगा उसके इकाई का अंक तो क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, बाकी मेरे को पता करना है, तो ये नंबर है आपका, दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए दोस्तों स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, इधर के 2 नंबर छोड़ते थे बस, लेकिन क्यूब में कितने नंबर छोड़ेंगे, 1, 2 और 3 नंबर छोड़ देंगे इधर के। ठीक है, अब इधर वाला है जो 59 है ना, ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है? ठीक है, तो ये 3 का क्यूब और 4 का क्यूब उसके बीच में पड़ता है कहीं, 27 और 64 के बीच में कहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लो, ये छोटा वाला नंबर ले लो, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 39। ठीक है, अब देखें आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगेंगे इसको, हार्डली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के और अच्छे से प्रैक्टिस करके करते हैं तो। जैसे कि मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, 59319 मेरे सामने एग्ज़ाम में आया, एग्ज़ाम में मैंने देखा 9, तो 9 से तो मेरे को याद आ गया 9। ठीक है, 9 से तो लास्ट अक्षर 9 होगा। अब मैंने देख लिया 59, 27, 64 के बीच में आएगा, तो छोटा वाला लेना है, तो 3 आ गया, डायरेक्ट ही आ गया लो मेरा। तो थोड़ा सा एक बार आपको ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 9 से 9 आ गया, ये 3 का क्यूब 4 के क्यूब के बीच में है, तो ये छोटा वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शुरू में आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं और बता देता हूँ इसका, जैसे 1488877। ठीक है, जैसे ही 7, जैसे मैं इसको शॉर्टकट में जल्दी से, जैसे ही 7 आया तो मेरे दिमाग में आ गया 3। ठीक है, फिर मैंने ये 3 नंबर छोड़ के 148 को देखा, तो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पे 5 आ गया। लो देखते ही मेरा आंसर 53 आ गया। ये भी मैंने बताया है आपको, इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना 2 सेकंड के अंदर डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है। किया कैसे दोस्तों, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है ना, तो 7 से अपने को क्या याद आना चाहिए, 3 याद आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारे क्यूब बता के बताए, तो वहाँ से लास्ट नंबर तो 3 आ गया। ये 148 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में पड़ता है, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर जो 5 है वो पिकअप कर लो, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 53 आ गया। दोस्तों क्यूब रूट जो है वो स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, और कम टाइम में निकलता है। तो अब मेरे को नहीं लगता कि अपने को और भी ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें देखने चाहिए। ठीक है, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप लोगों को और भी ईजी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब का दोस्तों एक तो काम बहुत कम पड़ता है, मतलब एग्ज़ाम में अगर क्यूब देगा तो वो 1 से 9 के अंदर ही सिमट लेगा। ठीक है, ऊपर का क्यूब आपको बहुत कम चांसेस में देगा, लेकिन अगर दे देता है तो आपको मैं बता रहा हूँ 15-20 सेकंड तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। इसका कोई वैसा कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं आपको कुछ रूल बता दूँ और आप फटाफट उसके अंदर कर लो, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। शॉर्ट से शॉर्ट जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 43 का क्यूब कर लेते हैं अपन, 2 पार्टों में डिवाइड कर लो, वही 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 रूल है जो मैंने स्क्वायर में बताया, सेम टू सेम, बस रिलेट करके याद करना है, कोई रटने वाली तो बात ही नहीं है। किसी को लग रहा होगा रटने वाला बात कर रहे हैं, कोई रटने वाला, जैसे स्क्वायर में बताया वैसे ही क्यूब में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 लिख लो, 4 का क्यूब लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27, लेकिन मैं क्या लिखूँगा, 027, क्योंकि स्क्वायर में 2 नंबर होना ज़रूरी था और क्यूब में कितना नंबर होना ज़रूरी है, 3 नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अपना अभी तक जो आ गया 64027, ये तो अपन 2-3 सेकंड में लिख सकते हैं, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब। उसके बाद में देखो क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, 36। अब इस 36 को इस 43 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई देख लो, अब मैंने आपको देखो फास्ट मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था, तो उस तरीके से जहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो उस तरीके से आप लोग करने की कोशिश करना। दोस्तों अगर अपन डायरेक्ट यहाँ 43 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1548। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो नंबर आ गया है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद में, इसको आप लोग जो
लास्ट नंबर है उसको आप लोगों को छोड़ना है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये जो लास्ट नंबर होता है उसको आप लोगों को क्या करना है, स्किप करना है और उसके बाद में लिख दो, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे उससे तो कम टाइम लग रहा है, और हो सकता है तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो क्यूब का कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि फटाफट ही हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं बस, उसके बाद में सीधा हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है। क्यूब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको बार बार में क्वेश्चन में पूछेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं जब यहाँ पे आप लोगों से क्यूब पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 76 का क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब आपको बताया हुआ है 343, 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब यहाँ पे तीन नंबर चाहिए था, तीन आ गए तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये नंबर आने के बाद में 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 42, ठीक है। 42 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 126। 126 को फिर ये जो नंबर इसी से, अब देखो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई करना भी उस दिन भी सिखाया था, ठीक है, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 600 और 20, ठीक है, 620 और 36 क्या आ गया 756, ठीक है। तो ऐसे ही आ जाएगा, जैसे क्या हो गया, कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को। मल्टीप्लाई का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था ना आपको, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये 126 है, इसको 76 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से देखो 600, 120, 720 और 36 क्या हो गया 720 और 36 756, फटाफट लिख दो, ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई, 700, 140, 840 और 42 क्या हो गया 882। ये लो इसको जोड़ लो आप लोग, मतलब एकदम से दिमाग के अंदर ही सारी कैलकुलेशंस हो जानी चाहिए, ठीक है। इसको जोड़ लो, अब यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 15, 5 और ये आ गया ये। इसको यहाँ पे एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिख दो और इसको फिर आप लोग ऐड करके देख लो, ये लो, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं है, मल्टीप्लाई करना भी मैंने सिखाया है लास्ट वीडियो के अंदर, एक बार देख लेना ये तरीका कैसे किया है इसको मैंने। ये जो ये क्या होता है 100 + 20 + 6 है ना, तो मैंने ऐसे ही दिमाग में इसको 100 + 20 + 6 कर लिया। 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 700, 140 कितना हो गया 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो पहले 600 + 120, 620 + 36 756, ये लो, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करो, 700 + 140, 840 + 42 कितना हो गया 882। ऐसे माइंड में ही हो जाएगी ये कैलकुलेशन, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इन तरीकों से, आपको टेक्निक की ज़रूरत है औरों से आगे निकलने के लिए। मेहनत सभी लोग करते हैं, मेहनत के साथ आप लोगों को वो सही तरीका, वो सही मेथड पता होना चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में एप्लीकेबल करना है। जो लोग 3 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे वो आप लोग जब 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड में कर लेंगे तभी आप लोग उन लोगों से आगे निकल पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक फ्रैक्शन का बहुत ही मतलब अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर तीन टाइप की फ्रैक्शन होती है, पूरा डिटेलिंग में समझा देता हूँ, 1, 2, 3। एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक होती है इम्प्रॉपर, ठीक है, एक होती है मिक्स। प्रॉपर होती है हमेशा लेस देन वन, ये ग्रेटर देन वन, ठीक है। लेस देन वन का मतलब होता है 3/4, ये परफेक्ट प्रॉपर है। अब जैसे 4/3 होती है वो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, वो वन से बड़ी हो गई तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स हो गई, इस 4/3 को अगर आप 1 से 1/3 लिख देंगे तो वो मिक्स हो गई। हमें हमेशा मिक्स में ही काम करना है, मिक्स में और इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में हमें कभी काम नहीं करना है, जहाँ तक हम लोग इग्नोर करेंगे इम्प्रॉपर में काम करें। बस ये तो आपके नॉलेज के लिए था, बाकी देखो अपन को कैलकुलेशन में कैसे यूज में लेना है इन चीज़ों को। दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल बताऊँगा, उसके बाद में मेन चीज़ के ऊपर आऊँगा। एग्जाम्पल बताता हूँ कि फ़ायदा क्या होगा। जैसे आपको एग्ज़ाम में कहीं दिख गया 29 - 1/12, तो कुछ लोग क्या करेंगे 29 × 12 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर ÷12 करेंगे, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन हो गई भाई कि आपके 20-30 सेकेंड तो इसी में लग गए, एक छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट था। तो ऐसे नहीं करना है, हमें एक स्मार्ट टेक्निक से चलना है जिससे कि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। वो टेक्निक क्या होगी उसके लिए मैं छोटी छोटी दो तीन बातें बता देता हूँ आपको। 8 + 3/4 क्या होता है, 8 से ही 3/4
चार, समझ में आता है ना ये चीज़ को सबको, सीधा जोड़ दिया अपन ने। -8 और -3/4 क्या होता है, -8 से 3/4 कैसे आया ये देखो। तो -8 माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जहाँ 8 -3/4 आ जाता है ना, वहीं पे अपनी दिक्कत आ जाती है सामने। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है तो कोई भी इजी वे में कर लेगा, लेकिन अगर वो जैसे मैंने बताया था 29 -1/12, अब इसको करोगे तो 29 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अपन ने किया 32 -3/4, यानी कि 29/4, ठीक है। अब ये 29/4 भी क्या हो गया, 7 से 1/4, देखो कितना टाइम लग गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक में से कुछ भी माइनस करता हूँ, एक में से 1/4 माइनस किया तो कितना आएगा, 4 4 -1, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, 3/4। अब एग्जांपल देखो, देखो नीचे वाला तो 4 आया आया, और ये 3 क्या है, 4 और 1 को माइनस कर दो ऊपर नीचे वाला को, तो ये 3 आ जाएगा। अब आ जाओ भाई, 1 में से 1/12 माइनस करो तो क्या आएगा, 12, 12 - 1 तो 11/12। तो देखो फिर से आ गया, यानी 1 में से 1/12 माइनस करोगे ना तो सीधा क्या आ जाएगा, 12 तो नीचे आएगा ही आएगा, और इस 12 में से 1 माइनस कर दो वो ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको सीधा कोई ऐसे बोले 1 में से 1/59 माइनस करना है, तो आप लोग सीधा आंसर क्या कर दोगे, 58/59 कर दोगे ना, ठीक है। बस एक माइनस करके नीचे लिखना है। जैसे आप लोगों को कोई एग्जाम्पल के तौर पे बोल दे कि आपको 1 -1/67 करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 66/67 बस, ठीक है। आएगा कैसे, आएगा ऐसे 67 -1/67 हो ना, एक ही माइनस है उसमें से, नीचे वाले में से एक माइनस करके ऊपर लिख दो बस, हो ना भाई। ये इजीली चीज़ें, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड जिनके, उनको तो इजीली ये पता ही होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब करना कैसे है, ठीक है। जैसे 8 -3/4 ये अपन ने किया था अभी, इस 8 को आप क्या कर लो, 7+1 लिख सकता हूँ मैं इसको, -3/4, ठीक है, यही था ना, ठीक है। तो 8 में से 1 में से 3/4 मेरे को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो 7, ठीक है, प्लस 1 बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, नीचे 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस करके लिख लो, इन दोनों का माइनस क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आ गया डायरेक्ट आपका 7 से 1/4। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। जैसे मैंने आपको बताया था 29 -1/12 कितना जल्दी निकल रहा है, देखो 29 को 28 + 1 - 1/12 कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो आप, 1 - 1/12 की वैल्यू क्या होगी, इस 12 को तो नीचे आ जाएगा, और इस 12 और 1 का आपस में माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 28 से 11/12। 30 से 40 सेकंड आपके एक क्वेश्चन के बीच में बच रहे हैं, यानी कि एक नंबर दूसरी जगह ला सकते हो अगर ऐसी कैलकुलेशन कहीं पे फंसती हैं तो, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आपको करना क्या है, अगर जब तक वर्क नहीं करोगे खुद से सिंप्लीफिकेशन पे तो आपका काम होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोगों को कम से कम भी 20 क्यूब रूट ट्राई करना है, 20 क्यूब ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है, अपने मन मन से कैलकुलेशन बना के प्रैक्टिस करना, ताकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इन्हीं मेथड्स को अपनाएंगे ना, तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइम तभी बचेगा और तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों पार्ट 3 जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, पार्ट 3 बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ मैं आप सब लोगों के लिए, ठीक है। उसके अंदर 8 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन को बंद करेंगे, और DI जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, DI को स्टार्ट करेंगे SBP हिसाब से। एक बार जो DI है वो मैं प्री के हिसाब से पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में जब मेंस आएगा तो मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं उस बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट और जो पजल हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनके कुछ 7-8 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट
टाइप्स के होते हैं, वो मैं इस वीआईपी ओपरी से पहले आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को का ये वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो जो वीडियोज़ आएंगे उनके अपडेट आप लोगों तक मिलती रहेंगी। फेसबुक पे लाइक कर लीजिए, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो फेसबुक पे भी लाइक कर लीजिए और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूले, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।